दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मदन लाल भास्कर। आप देख रहे हैं निशा आर्ट्स फिल्म प्रोडक्शन। चलो फिल्म बनाते हैं। आज का हमारा विषय है फिल्म बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम पहले वीडियो में बात किए थे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम किन किन विषय पर चर्चा करेंगे और क्या क्या जानकारी आपको देंगे, ये पहले वीडियो में बताया गया है। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार आज हमारे वीडियो में आए हैं, तो आप जो है आई बटन में लिंक दी जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसका लिंक दी गई है उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। देखिए होता क्या है, यदि आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल का मतलब है कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं फिल्म मेकिंग का, तो आपके लिए फिल्म बनाना आसान हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी या मुश्किल है काम करना, ये भी आसान है, बशर्ते इसकी जानकारी हमारे इस वीडियो के द्वारा जो हमारा निशा आर्ट्स फिल्म प्रोडक्शन चलो फिल्म बनाते हैं प्रोग्राम को आप देखते रहेंगे, तो वो जो सारी जानकारियां हैं, जो सारी रणनीति होती है फिल्म मेकिंग के लिए, वो सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। बेल बटन को हिट करना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, यदि आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं करते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, तो बीच में कोई जानकारी आप मिस कर जाएंगे, इसलिए घंटी को ज़रूर दबा के रखें। हमारा विषय है कि इसकी शुरुआत करें तो कैसे करें, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो हैं नहीं, तो प्रोफेशनल यदि आप नहीं हैं, कहीं से कोर्स ट्रेनिंग नहीं किए हैं, यदि आप ट्रेनिंग या करना चाहते हैं, तो उसकी सुविधा के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप आराम से इस निशा आर्ट फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा, इस चैनल के द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहें और हर वीडियो को आप देखा करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप काम करना आज से शुरुआत कर दीजिए। जो आपके दिमाग में है उसको आप पेपर वर्क जरूर कीजिए। देखिए पेपर वर्क नहीं करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए, अभी आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि मुझे फिल्म बनानी है, तो फिल्म बनानी है तो कैसे बनानी है, तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है पेपर वर्क से। आप पेपर तैयार कीजिए, पेपर वर्क में आप जो है शुरू से लेकर के अंतिम तक इसका जो भी सीढ़ी बाई सीढ़ी प्रोसेस है उसको आप नोट कीजिए। हम आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए बिल्कुल आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो हम बताएंगे सारी चीज़ें के बारे में, और हम भी करते जाएंगे और उसकी रिव्यू आप तक पहुंचती रहेगी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चूँकि आपका प्रोजेक्ट है, तो आप यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे तो सबसे अच्छा तैयार कर पाएंगे। यदि आप दूसरों से तैयार करवाएंगे, पैसा दे करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, तो वो उतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में जो आप समझते हैं उस चीज़ को, तो आप स्वयं तैयार कीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है इसकी हम क्लू यानी एक आपको मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आप पेपर वर्क कीजिए। पेपर वर्क, पेपर और कागज़ लेकर के लिस्ट बनाइए पहले कि इसके इक्विपमेंट क्या क्या लगते हैं। इसमें इक्विपमेंट के हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगना है, तो वीडियो आप पहले देख लीजिए।
never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions.